हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कैरमल कस्टर्ड। कैरमल कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये मैंने इस कप से एक कप दही लिया है। इसी कप में मेरा ये कंडेंस मिल्क है और ये दूध है एक कप। अब मैं इसको बनाऊंगी, अब देख लीजिएगा। ठीक है, मैं भी अच्छे। यस हाँ, अब मैं पहले कैरेमल बनाना है, मुझे गैस ऑन करना है। गैस ऑन करके मैंने इसको हल्का सा गर्म कर रही हूँ। इसको चीनी को मैंने मेल्ट करना है। ये 4 टेबलस्पून मैंने चीनी ले रही हूँ। 1, 2, 3, 4 4 चम्मच चीनी को भी मेल्ट होना है। इसको मेल्ट होने दूंगी। मेल्ट हो जाए, ये देखिए ये मेल्ट हो गया है। ये जरा कलर चेंज हो जाए। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। ये इस तरह से आप घुमा फिरा के इस तरह से ये देखिए, ये मेरा कैरमल बन गया है।
ये कैरमल बन गया देखिए। अब इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर रखना पड़ेगा। ये देखिए कैरमल बन गया, ये थोड़ा सेट हो जाए। अब आइए दूसरे प्रोसेस में। आप मुझे ये मिक्सी में एक बार चला लेना है। ऐसे मैंने एक कप दही दिया है, ये बिल्कुल गाढ़ी दही है, ये बिल्कुल गाढ़ी दही है। पानी निकाल के मैंने पानी निकाल के दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। थोड़ा बिल्कुल गाढ़ी दही चाहिए। ये दही हो गया। अब ये कंडेंस मिल्क हो गया है, एक ही मेजरमेंट है इसका, एक कप दही, एक कप कंडेंस मिल्क और एक कप दूध। चीनी मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि कंडेंस मिल्क में तो चीनी पड़ा रहता है। कंडेंस मिल्क आधा किलो दूध का बनाते हो आप तो 200 ग्राम चीनी पड़ता है इसमें, तो ऑटोमेटिकली वो इसमें मीठा रहता है। ये एक कप मैंने दूध दिया है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर दूंगी। ये देखिए 1, 2, 3 and 4 कस्टर्ड पाउडर दिया है। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। और एक 1 टीस्पून समझ लीजिए, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। ये देखिए वेनिला एसेंस दे दिया। अब इसको मैंने एक बार मिक्सी में चला लेना है। मिक्सी में चला लेने के बाद इसको मैंने इसमें भाप से बनेगा ये। देखिए मैं एक बार चला लेती हूँ मिक्सी में। ये देखिए ये मिक्स हो गया है, ये बिल्कुल मिक्स हो गया है एकदम, कोई लम्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं भाप के लिए पानी चढ़ाती हूँ। गैस ऑन किया मैंने और ये बिल्कुल मीडियम आंच पे ये गरम होगा। पहले गरम कर लेती हूँ मैं। और इसमें ये इसमें हाफ डूबा रहेगा, हाफ करके ये डूबा रहेगा। इसका मेजरमेंट ले लिया आपने? हाँ, ये हाफ डूबा रहेगा और ये पानी में ही आपको भाप में होना है। ये अभी गर्म है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद इसको मैं दूंगी। अब देखिए मैं इसमें दे देती हूँ।
अब मैं इसको दे दूंगी, इसमें हाफ डूबना जरूरी है, ये हाफ डूबेगा, ये भाप से बनेगा। ये स्लो स्लो मीडियम गैस में बनना है इसको, स्लो मीडियम गैस, हल्का सा स्लो मीडियम गैस बनना है। ये 25 से 30 मिनट तक के लिए ये इसको पकना है। ये देखिए गैस, कैरमल कस्टर्ड, कैरमल कस्टर्ड ये बन, ये बना है, ये कैरमल कस्टर्ड है, कैरमल कस्टर्ड। अगले रेसिपी में फिर मिलूंगी, आप सब्सक्राइब कीजिए मुझे और शेयर कीजिए। ओके, आप अपने घर में ट्राई कीजिए कैरमल कस्टर्ड।